वीरा जल्दी जल्दी टमाटर काटो वरना आज तो सासुमा हम दोनों को काटकर हमारी सब्जी बना देगी। नाश्ता बनाने में बहुत देर कर दी आज हमने। मैं बब्बे पहले आप मुझे ये बताया कि मैं पहले क्या था तू प्याज या टमाटर? मैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी है? बस मस्त। मैं वो क्या है ना मेरे घर में गैस सिलेंडर है उसका गैस खत्म हो गया है। कुसुमासी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारे पास ना दो दो गैस के सिलेंडर है। अरे वाह। हाँ। ए वीरा और वो जो दूसरा सिलेंडर है वो फुल है ना? है भला है। सरस तो वीरा जरा कुसुम मासी के घर वो सिलेंडर छोड़ के आओ ना। हेलो कुसुम मासी। थैंक यू मई। ना ना हो तो से आवे। मही कितनी देर अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? मही तुम्हें पता है ना आज मेरी नुक्कड़ मीटिंग है। सासुमा थोड़ा थोड़ा सा रुक जाइए। सासुमा वो क्या है ना आज सुबह सुबह मैं और वीरा वो फ्रिज की साफ सफाई करने में लग गए ना तो थोड़ा समय ज्यादा लग गया उसमें। काहे कन्हैया लाल? वीरा तो कुसुम मासी के घर गैस का सिलेंडर छोड़ने गए है। वो क्या है ना अचानक से ही उनके घर पर सिलेंडर में गैस खत्म हो गई इसीलिए। तो तूने हमारा सिलेंडर दे दिया? क्या? हाँ तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा? आज से 5 दिनों तक गैस सिलेंडर वालों की हड़ताल है। अब हमारे घर का गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो हम क्या भजन करेंगे? ना ना सासुमा कुछ नहीं होगा। लाइटर चालू है चांपली। देखा मैंने कहा और गैस खत्म हो गई है? सिर्फ आपके कहने से ही गैस खत्म हो गई? तो फिर आपने कहा ये क्यों सासुमा जो? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा और गैस खत्म हो गई? तो अभी अभी आप ही ने कहा ना। अरे चलो भाई भाभी फटाफट नाश्ता बनाते हैं। देश तू बन तल दिया वीरा गैस खत्म हो गई। क्या? मैं तो वहां तुसुम भाभी के उधर वो सिलेंडर चालू करके आया उन्होंने तो खाना बनाना भी शुरू कर दिया। अभी वापस तुलन थोड़ी ना गैस का सिलेंडर मांग सकते। बराबर वीरा। और वीरा उनको सुमासी के तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल भी भेजना होगा ना। सासुमा सासुमा थोड़ा सा इंतजार कीजिए वीरा ना फटाफट थोड़ी देर के बाद वो कुसुम मासी के घर से गैस का सिलेंडर वापस लेकर आ जाएंगे। थोड़ा सा जब भी मुझे जल्दी जाना होता है ना तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ। सुनो ना गोली से ना तलवार की धार से मैं मारूंगी तुम्हें अपने हुस्न के करंट से। करंट से? करंट से? क्या ऑडिशन का डायलॉग है माय गॉड मस्त है मस्त। और क्या डायलॉग डिलीवरी दी है सोनिया ने मस्त। ये डायलॉग है हुस्न का करंट? ऐसा कोई डायलॉग होता है? बकवास है बकवास। हम स्क्रिप्ट में ये लिखा है इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे मही कन्हैया लाल जी अभी तक क्यों नहीं आए? 11 बज गए मही। अरे बापले एक बहुत बुरी खबर है तुसुम मासी के रिश्तेदार भी माल है। अरे यार ये तो बहुत बुरी खबर है लोहित भैया। बुरी खबर ये नहीं है कि कुसुम मासी के रिश्तेदार भी माल है। बुरी खबर तो ये है कि कुसुम मासी अपने घर पे बहुत बड़ा ताला लगा के सुलझ चली गई। क्या? ये चांपली की वजह से ही सब हुआ है। एक तो यहाँ हम भूखे बैठे हैं और हमारे घर में एक ही सिलेंडर था एक्स्ट्रा वो भी तुमने कुसुम को दे दिया और कुसुम सूरत चली गई घर ताला लगा के। ये तो वही हुआ घर फूक तमाशा देख यही किया है तुमने मही। ना ना सासुमा ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने कौन सा घर फूका है? मैंने तो बस
सिलेंडर दिया ना उनको। इतना इतना सिलेंडर दिया तूने? अरे कोई बात नहीं, आप लोग शांत हो जाइए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं गैस एजेंसी को फोन कर देता हूँ, वो लोग दूसरा सिलेंडर भेज देंगे। वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने भी आज का अखबार नहीं पढ़ा बेटा। आज के अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा है कि आज से 5 दिन तक गैस सिलेंडर वालों की हड़ताल है। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाना मंगा लेते हैं। ओके हाँ, जा तो दिमाग में आयोज नहीं ले। हेलो सुरभि रेस्टोरेंट। हाँ एक ऑर्डर लिखिए ना प्लीज। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मेहता निवास से, सैटेलाइट रोड। क्या? नहीं 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 जी, हम आपके यहाँ खाना नहीं भेज सकते क्योंकि रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने आपके यहाँ खाना भेजने पे बैन लगा दिया है। अरे रे, लेकिन क्यों? वो आपके यहाँ कोई मही नाम की लड़की रहती है, वो हमेशा पहले खाना का ऑर्डर देती है, खाने को टेस्ट करती है, उसके बाद वापिस कर देती है। नमक नहीं डाला है, वीरा को भेज दूंगी सिखाने। हाँ लाओ जय अम्बे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मैं ऑफिस जा रहा हूं। एक मिनट रुक। क्या कहा रेस्टोरेंट वालों ने? नहीं नहीं मॉम, कुछ नहीं, वो रेस्टोरेंट वालों की भी हड़ताल है इसलिए वो लोग खाना नहीं भेज सकते। मैं जाता हूँ। रुकिए सागर जी, सागर जी आप खाना खा कर ही जाएंगे और घर के सभी लोग बिना खाए घर से बाहर नहीं जाएंगे। अरे मही, मैं तो किसी को भी भूखा नहीं रहने देगी। नहीं मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अरे मॉम देखिए ना, 12 तो बज चुके हैं, जब इतनी देर हो गई तो हम लोग अच्छे से खाना खा के ही चलते ना, जहाँ इतनी देर टाइम वेस्ट हो चुका है वहाँ थोड़ी देर और। मॉम प्लीज। मॉम ठीक है। वीरा, वीरा, जल्दी चलो, हम लोग अंगीठी लेकर आते हैं। आया आया। सागर हाँ सब ठीक है ना, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं मॉम कोई बात नहीं। टान टान। ये देखिए अंगीठी, मैंने कहा था ना सासुमा कि घर से बाहर कोई भी भूखा नहीं जाएगा। अरे घर में गैस खत्म हो गया तो क्या हुआ, फिर भी खाना बनेगा, वो भी हमारे गांव के देसी स्टाइल में। अच्छा वीरा इसमें ना कोलसा डालकर इसे गर्म करने रख दो, मैं अभी आती हूँ। अरे वाह मही, ये तो कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया निकला। अरे क्या खास अच्छा आइडिया निकला, गौर फरमाइएगा, न गोलियों से न तलवार की धार से मैं मारूंगी तुझे अपने अपने अपने। ओहो रोहित डायलॉग भूल गई सोनिया। अरे हुस्न के करंट से करंट से करंट से। मस्त है मस्त। ओके अभी तक तुम्हारा ये बकवास डायलॉग ही चल रहा है, एक डायलॉग है वो भी तुझे याद नहीं रहता, और तुम्हारे हुस्न के करंट से कोई नहीं मरेगा लेकिन भूख के मारे हम सब मर जाएंगे। अरे बधाई हो, बधाई हो रोहित भाई, बधाई हो सुनिए भाभी, बधाई हो मॉम। किसने? उस अरे प्रेशर कुकर की सीटी बजी ना, मतलब मही का आइडिया चल निकला। सिर्फ सीटी ही बजी है, कोई किला फतेह नहीं किया है मही ने। चुप रहो, दिन ब दिन ज्यादा ही जोरू के गुलाम होते जा रहे हो। मही भाभी मैं काम करता हूँ, डाइनिंग टेबल पे सबकी प्लेट लगा देता हूँ। हाँ, जाओ वीरा। भूख के मारे स्क्रिप्ट में भी ध्यान नहीं दे पा रही। मस्त थाने की खुशबू आ ली है ना, ऐसा थाना बना है सब लोग अपनी उंगलियां चाटते ले जाएंगे। अरे आप लेकर भी आओगे या बोल बोल के ही पेट भरना चाहते हो? हाँ कन्हैया लाल जी प्लीज जल्दी से खाना दे दीजिए,
एक सेकंड की देरी भी ना जान ले रही है कन्हैया लाल जी, प्लीज। और नहीं तो क्या, भूख के मारे सोनिया के तो पेट से गुड़ गुड़ आवाजें शुरू हो गई है। अरे अरे कन्हैया लाल जी प्लीज, आप खाना ले आइए, नहीं तो ये फिर से अपने डायलॉग बोलना शुरू हो जाएगी। प्लीज कन्हैया लाल जी। हाँ वो वाला देखो न, पेट के गुड़ गुड़ से तैयार है, तैयार है, तैयार है। चलो शुक्र है खाना आ रहा है। लाओ 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 लाओ। है कहाँ है खाना, कहाँ है? नहीं नहीं खाना तैयार हो रहा है। मैंने कहा था ना मैंने कि घर से बाहर किसी को भी भूखा नहीं जाने दूंगी। बस इसी का डायलॉग बाकी था। क्या 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 कहा सुषमा? अरे मही लगता है तुमने किचन का नल खुला छोड़ दिया है। चले संभाल संभाल के कहीं हम डूब ना जाए। वीरा रसोड़े में बारिश कैसे हो गई पापा? तो आता बन गए आप। ये सब किसने किया? जी अनुसूया जी, जी आइए आइए। मॉम ये, हाँ जी कहिए। अनुसूया जी हमारे पास फोन आया था कि आपके घर में आग लगी और बहुत धुआं उठ रहा है, तो मैडम हम लोग तुरंत ही आ गए और हमने बाहर से आग पे काबू पा लिया। लेकिन जब हमने खिड़की पे चढ़ के देखा तो आपके घर में तो आग ही नहीं लगी थी, वो धुआं तो अंगीठी से उठ रहा था। लगता है जल्दबाजी में किसी ने गलती से फोन कर दिया। मैडम सॉरी, गलती से जल्दबाजी में आपके किचन में पानी पानी हो गया। इट्स ओके, आपने तो अपना फर्ज अदा किया। इट्स ओके। कोई बात नहीं, मैं अपना फोन खा लूंगी। मैं अपना ऑफिस का ये बैग खा लेता हूँ। सोनिया के पास तो बहुत सारा मेकअप का सामान भी है, सोनिया वो खा लेगी है ना? और मैं ये प्लेट खा लूंगा। हम दोनों क्या खाएं? थप्पड़। आज तक वीरा, आज तक मैंने कभी किसी को घर से बाहर भूखा नहीं भेजा पापा। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मई भाभी अब तो पता है इतना बुला हुआ है। अरे सोनिया भाभी तो डायलॉग भी गलत बोलने लगी थी, बोल रही थी ना तलवार छे ना डोली छे, मैं तुझे मालूंगी भूत से भूत से भूत से। ना ना वीरा, भूत से नहीं भूख से, भूख करो वीरा, कुछ करो पापा। अरे गैस नहीं है, ये सब गीला गीला गंदा पड़ा है वीरा, खाना कैसे बनाएंगे रात का? रात को सबको मम्मा में क्या देंगे वीरा? कुछ करो, कुछ करो वीरा। वीरा ए वीरा, आपके पास तो बहुत बड़ा दिमाग है ना, तो आपकी पिगड़ी में से कोई आइडिया निकालो ना वीरा। हाँ, निकालता हूँ। आया आइडिया। लाओ। हमें काम करते हैं। हाँ। क्यों ना हम ब्लैक में सिलेंडर खरीद ले। मतलब ये कि थोड़े ज्यादा पैसे देते हाथों हाथ सिलेंडर ले लेते हैं, थोड़ी दूस खिलानी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि ये बात सही नहीं है, ये गलत बात है, लेकिन
आप चाहती है कि सब लोग भूखे रहे? लेकिन वीरा, अगर सासू माँ को पता चल गया ना तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, नहीं मारेगी, कुछ नहीं करेगी। पर आप ही तो कहा करती है ना मुझे, वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे अपनों का फायदा हो और किसी का नुकसान ना हो। और वैसे भी आप तो पता है ना, सागर भैया बाल का खाना खाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आप चाहती हो सागर भैया की तबीयत खराब हो जाए? नहीं वीरा। और रही बात मैडम माँ की, तो मैडम माँ को हम बोल देंगे कि तुसुम मासी ने तीसरी के हाथों चाबी भिजवाई थी, तो हम जाते हैं अपना सिलेंडर उनसे दल से लेते आए। मलावाल दल से। भाई भाभी सिलेंडर आ गया, लेते रहिए ब्लैक में सिलेंडर, हमारा भी खर्चा पानी निकलता है ना। हाँ हाँ, ये तो मजबूरी है भाई, वरना आपको भला बल का खर्चा पानी देता थे। बस वीरा बस, जय अम्बे भाई, ये लीजिए आपके सिलेंडर के पैसे। कभी चाहिए हो सिलेंडर तो बता देना। खाना तैयार है। थैंक गॉड। ये है भिंडी की सब्जी जो सागर जी को बहुत पसंद है, और ये है मटर पनीर। वाओ। जो सोनिया भाभी को बहुत पसंद है। थैंक यू। ये है सरसों का साग जो सासू माँ को बहुत पसंद है। और ये है गाजर की सब्जी, लोहित भैया को बहुत पसंद है। टैटन। ये है मूंग की दाल का हलवा जो सबको पसंद है। गोड़, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये महीने तो दिन में तारे दिखा दिए थे। छोड़िए ना माफ कर दीजिए, अंत भला तो सब भला। अरे सोनिया भाभी, आपका ऑडिशन कैसा गया? क्या पूछ लिया सागर? मॉम बहुत अच्छा रहा, सुनिए तो सही। देखिए सोनिया ने अमेजिंग परफॉर्मेंस दी, इतनी मस्त कि सब लोग खुश हो गए। रुको मैं सबको करके दिखाती हूँ। नहीं। चलो अब खाना शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलो अम्बे मात की जय। हाँ। मुझे अंसुया जी से मिलना है। आई आई। अरे माँ। गुप्ता जी। नमस्कार अंसुया जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, एक खबर देनी थी आपको। बताइए। आपकी बहू मही ने हमारी एजेंसी के कर्मचारी से ब्लैक में सिलेंडर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे टाइम पे पकड़ लिया। वो यहाँ सिलेंडर देने आया और साथ में रिकॉर्डिंग करके गया कि अंसुया जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बोलती है, खुद उसके ही फैमिली वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। वो न्यूज़ वालों से मिला हुआ था, बस बच गई आप, वरना हर जगह कल आप ही होती फ्रंट पेज पे। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। अच्छा तो मैं चलता हूं। कन्हैयालाल, ये सारा खाना गरीबों में दान कर दो। मेरे घर में गलत तरीके से खाना नहीं बनेगा, फिर चाहे हम भूखे क्यों ना मर जाए। कहां है वो वेरा खड़ी? कहां है? अरे वो मही कहां है? मही को मैं एकदम थैंक यू बोलने आई हूँ, उसकी वजह से हमारा रुका हुआ काम हो गया। लगता है तुझे कोई गलत फहमी हुई है कुसुम, मही चलता हुआ काम रुकवा सकती है लेकिन रुका हुआ काम चालू नहीं करवा सकती। अरे नहीं नहीं अंशुया बेन, मेरी पूरी बात तो समझो। मैंने जो हमको सिलेंडर दिया था वो क्या है ना, कल रात को हम घर पे नहीं थे तो गैस का सिलेंडर कुछ फॉल्ट की वजह से फट गया। माय गॉड, गैस का सिलेंडर फट गया?
और तुम खुश हो रहे हो? हाँ। ये भगवान, अरे ऐसा नहीं है अंशुया बहन, वो क्या है ना, गैस का सिलेंडर फटने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी वाले और गैस सिलेंडर वाले हमको 50 लाख का कंपनसेशन देने वाले। क्या है, कितने टाइम से हम अपना घर रिनोवेट करवाना चाहते थे लेकिन पैसे इकट्ठा ही नहीं हो रहे थे। अभी मई ने वो सिलेंडर दिया ना तो हमको 50 लाख रुपए मुआवजे में मिलेंगे और हमारे घर का काम हो जाएगा एकदम सरस। कुसुम, वो सिलेंडर तब फटता जब तुम लोग घर में होते, तो ये बात आज तुम खुशी खुशी बताने नहीं आती। अरे भगवान का धन्यवाद मानो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें बचा लिया। वैसे आपको है ना मई बाबी का धन्यवाद करना चाहिए। अगर ये सिलेंडर उन्होंने कुसुम मासी को नहीं दिया होता और अगर वो सिलेंडर हमारे घर में फटता तो पता नहीं हम सबका क्या होता। सबका क्या होता ये तो पता नहीं, पर सोने एक खूबसूरत भूत बन जाती। हाँ। और मैं इस खूबसूरत भूतनी का पति। ओ। वैसे मॉम, ये लोग सही कह रहे हैं, मही ने कुसुम आंटी को सिलेंडर देकर उल्टा हम सबकी जान बचाई है मॉम। देखो अभी तक छुप रही थी, अब सडनली जोश में आ गई। हाँ तो आऊंगी है ना सासु माँ, अरे मैंने इतना अच्छा काम जो किया है ना सागर जी। नो 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 नो, तुमने काम अच्छा नहीं किया है, ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा था। सासु माँ आपको ना मेरे अच्छे नसीब से भी चिढ़ है। ऐसा कुछ नहीं है। ना ना, सास बहू के झगड़े में बेचारे सिलेंडर ने आत्महत्या कर ली, डर के मारे फट गया। सोचिए सोचिए मेरी क्या हालत होती होगी।